जो किसान भाई आपको कैमरे की नजर से देख रहे सर, इन्हें एक छोटा सा परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम माधुराम शर्मा, गांव कुतुबपुर, पोस्ट बड़ला, जिला मुजफ्फरनगर। तो सर, जो आप कड़कनाथ फार्मिंग जैसे कर रहे हो सर, कितने दिन से कर रहे हो सर? ये हो गए जी दो साल जी। तो सर, कड़कनाथ फार्मिंग जब आपने शुरू की थी तो आपने चिक्स कितने रुपए का लिया था सर? चिक्स लिया था जी हमने 35 रुपए। 35 रुपए का चिक्स लिया था जी। तो सर, जैसे आप 2 साल से कड़कनाथ फार्मिंग कर रहे हो सर, ये कैसा बिजनेस है, हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। बहुत अच्छा बिजनेस है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा प्रॉफिट हो, छोटा चिक्स लो, पालो और बेचो। तो अंडे की बात की जाए तो सर, इसका अंडा कितने रुपए में सेल होता है? इसका अंडा 20 रुपए का सेल होता है सर्दी में। और गर्मी में सर जी? गर्मी में थोड़ा रेट डाउन कर लो, 15 का कर दो जी। तो सर, कड़कनाथ का जो ये मुर्गी होती है सर जी, कितने दिन में अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है? ये देती है जी 5-6 महीने के बीच में अंडे पा जाए, अंडे पा जाती है। और मुर्गी या मुर्गा कितने रुपए में सर सेल होता है बड़ा? ये मुर्गी होती है 700 रुपए में सेल, मुर्गा आता है 1400 पर सेल। अच्छा, 1400 1500। अच्छा अच्छा जी। तो सर, कड़कनाथ फार्मिंग में कौन कौन सी चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। इन्हें हरा चारा खिलाओ, बरसी हुई, मक्की हुई, फीड तो नामात लेते हैं। अच्छा, 40-50 ग्राम फीड लेते हैं शाम के टाइम। अपन तो हरा चारा दिन में दो, खुले छोड़ दो बाहर, जैसे हमने खुले छोड़ रखे सब, ये चारों तरफ जाड़ हमारे, ये पूरे दिन बाहर रहते हैं, बाहर कीड़ा खाते हैं, घास खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कड़कनाथ फार्मिंग सर, ये कहते हैं कि बहुत इसके मीट भी बहुत गुणकारी होता है, इसका मीट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सारे विटामिन पाए जाते हैं सर, सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसमें फैट नहीं होता। अच्छा, फैट नहीं होता जी जी जी। अंडा भी इसका बहुत गुणकारी होता है, अंडे में फैट नहीं होता, जैसे और अंडे फैट बढ़ाते हैं, ये फैट नहीं बढ़ाता। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए, यदि कोई नया फार्मर है, कड़कनाथ फार्मिंग करना चाहता है जी, तो सर कैसे करे, किन किन चीजों का सर ध्यान रखे, कौन सी? इसमें ध्यान ये है, बीमारी नहीं आती, इसमें कोई बीमारी नहीं है, जैसे बॉलर में बीमारी होती है, देसी में बीमारी होती है, कड़कनाथ में कोई बीमारी नहीं आती, इसमें दवा बिल्कुल नहीं लगती, किसी दवा का यूज नहीं होता इसमें जी। ऐसे बाहर घुमाओ ना, जितने ये बाहर घूमेंगे जितने अच्छे रहेंगे। तो इन्हें बाहर घुमाना चाहिए सर जी। तो सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आता है सर आपका? इसमें आता है जी 1000 बल्ड के स्ट्रक्चर में करीब 70,000 का खर्चा आता है। 70,000 का खर्चा आता है सर आपका। तो सर, जब आपने अपना ये फार्म स्टार्ट किया था तो कितने चिक्स से स्टार्ट किया था सर आपने? ये हमने 700 चिक्स से स्टार्ट किया था जी। अच्छा, 700 चिक्स से स्टार्ट किया था जी। तो कड़कनाथ जो फार्मिंग है सर, आप अपने यहाँ से अंडा सेल करते हो सर? अब अंडा सेल नहीं, अब हम यहाँ से ही बच्चा सेल करते हैं। अच्छा, बच्चा सेल करते हैं? हाँ, अंडे से बच्चा निकलवाते हैं और बच्चा सेल करते हैं। बच्चा सेल करते हैं जी। तो सर जी, जैसे इसका जो मीट होता है, वो मीट क्या हिसाब होता है इसका? इसका मीट 1200 रुपए के जी। 1200 रुपए किलो। और अगर आपसे कोई नर मुर्गा लेना चाहे तो वो कितने का मिलेगा? 1300 से 1400 1500 रुपए, 1300 से कम नहीं है। 1300 रुपए से कम नहीं है। और अगर मुर्गी लेना चाहिए? कड़कनाथ 2 किलो का पीस होता है जी, ऊपर नहीं जाता जी, जो 2 किलो तो ऊपर है वो प्योर कड़कनाथ नहीं है जी। और अगर इसकी मुर्गी लेना चाहे? इसकी मुर्गी सस्ती पड़ जा जी। और इसकी जो मुर्गी होती है वो लगभग कितने दिन में अंडा देना शुरू कर देती है? ये अंडा देती है 5-6 महीने के बीच में। 6 महीने के बीच में अंडा देना शुरू कर देती है। और कितनी मुर्गियों में कितने नर रखे जाते हैं? 10 मुर्गी पे 1 नर रखा जाता है। 10 मुर्गी पे 1 नर। और इसमें जैसे मतलब जो मुर्गी अंडा देती है, हैचरी का क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब अंडा उठाते हैं, हाँ, दिन रखकर हैचरी में लगाते हैं जी, 18-20 दिन में बच्चा निकल जाए जी। बाकी अगर देखा जाए तो एक मुर्गी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, और अपने जीवन काल में वो कितना अंडा दे देती है साल भर में? ये महीने में देती है 20 अंडे। महीने में 20 जी। तो 12 × 2=24, यानी 240-250 के आसपास एक साल में, साल में देता है। अंडे दे देती है एक मुर्गी जी। तो इसका सर, जैसे इसका मीट का कलर सर कैसा होता है? कॉफी कलर। अच्छा, कॉफी कलर का होता है। मीट का कॉफी कलर होता है जी, बिल्कुल। कहते हैं जैसा खून भी काला हो, मीट भी काला हो, अंडा भी काला हो, नहीं जी, इसका खून भी कॉफी कलर होता है, मीट भी कॉफी कलर होता है। अच्छा, मीट भी कॉफी कलर का होता है जी। अंडा बोलते हैं अंडा काला होता है, अंडा काला नहीं होता, सफेद अंडा होता है। सफेद अंडा होता है। अंडा है मेरे पास थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। तो
ये प्योर कड़कनाथ का अंडा है, छोटा इसका साइज छोटा होता है, इससे किसान से एक तो साइज छोटा मिलेगा, साइज छोटा होता है इसका, और ये प्योर कड़कनाथ का अंडा है। तो सर डेली प्रोडक्शन की बात की जाए तो आपके फार्म से सर कितने अंडे ले रहे हो सर आज की तारीख में? आप आज की तारीख में हमारे यहाँ से चल रहे हैं 200-250 अंडे डेली, 300 मुर्गी है हमारे पास जी डेली, 200-250 अंडे, 200-250 अंडे आ जाते 300 मुर्गी जी। तो सर आपके लोकल मार्केट में भी सर सेल हो जाते हैं सर, ये कैसे सर? सारा अंडा यहाँ से ही उठ जाए मार्केट में। अच्छा, यहाँ से लेके जाते हैं सब, यहाँ से ले जाए। तो कुल मिला के सर ये कैसा बिजनेस है किसान भाइयों को बताइए, और यदि कोई छोटा किसान है कितने कड़कनाथ चिक्स से अपना फार्म स्टार्ट करें एक बार हमारे किसान? 500 चिक्स का फार्म स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी जी। तो अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीट महंगा है इसका, अंडे का बिजनेस करो अंडा महंगा है, प्रोडक्शन में तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 40-45 रुपए का मिलता है कड़कनाथ का। इसकी मार्केट में तो सर कोई दिक्कत नहीं है? मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अच्छी है सर, मार्केट अच्छी है, बहुत बढ़िया मार्केट है। तो जी अगर जैसे कि कोई छोटा किसान उसके पास पैसे की दिक्कत है और वो कड़कनाथ फार्मिंग करना चाहता है तो वो कितनी मुर्गी से स्टार्ट कर सकता है? 500 मुर्गी से कोई दिक्कत नहीं है। और गांव के कितने दूरी पर होना चाहिए? गांव से तो दूरी ठीक रहा है, कितनी भी दूरी पकड़ लो अपना, कोई थी आओ उसमें कर लो, कम से कम 100-200 मीटर तो दूर होगी गांव से, जहाँ पे मतलब वैसे इसमें स्मेल नहीं आती, जैसे बॉलर के फार्म में स्मेल आती है, 1 किलोमीटर पहले पता चल जाए बॉलर का फार्म, इसमें ऐसी स्मेल नहीं आती बिल्कुल। और जैसे कि मतलब अब गर्मी के हिसाब से कितने का अंडा जा रहा है और सर्दी के हिसाब से कितने का अंडा? 15 का जा रहा है सर्दियों में, 20 का कर देंगे, वो यहाँ से उठो जाना अंडा, मार्केट पहुँचाते हो तो मार्केट महंगा जाएगा। और इसमें जैसे सरकार मार्केट में अंडा पहुँचाया था हमारा 35 रुपए का अंडा गया मार्केट में। और जैसे कि मतलब कोई किसान है थोड़ा पैसे का दिक्कत है उसे और वो चाहता है कि मैं लोन वगैरह ले लूं, तो इस पे लोन किस मिल जाता है क्या? लोन के लिए उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फिर, तब लोन उनका हो सकता नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, तो आपने भी कड़कनाथ फार्मिंग करने से पहले कहीं से ट्रेनिंग ली थी? नहीं, कहीं ट्रेनिंग ली थी, हमें लोन वोन की आवश्यकता नहीं है जी जी। तो आपने मतलब आपके मन में कैसे विचार आया कि हम कड़कनाथ फार्मिंग करते हैं? भाई घूमने गए थे हम, घूमने गए देखे अच्छा लगा, हाँ जी, तो विचार आया कि यही काम करा गया जी जी, इधर मौसमी होगी इधर ये हो गया, बात एक ही, इधर मौसमी का बाग लगाया, हाँ जी हाँ, इधर ये कड़कनाथ हो गया, ये सारे को घूमती रहे। हाँ, अगर जैसे मतलब मुर्गी घूमना चाहे पेड़ के नीचे गर्मियों में आराम से बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ रहना ये एक से दो काम हो गए। तो बाकी से अगर फार्मिंग को करना चाहते हैं तो एक किसान को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी तो कुछ नहीं, बस साइड में झाड़ वाल हो जा, कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, कुत्ता उत्ता ना हो, बिल्ली बिल्ली, साइड में झाड़ हो जा अपना, कोई नहीं बेच करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिलाकर ये बढ़िया बिजनेस है, कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी किसान भाइयों के बारे में कुछ और जानकारी आप देना चाहो? बस और जानकारी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और किसान भाइयों मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।